श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक चलंत मंत्र मैं आप लोगों को दूंगा। चलंत मंत्र क्या होता है, आप में से जो भी अघोर तंत्र से चैनल देख रहे हैं वो ऐसे कई चैनल देखते होंगे और कई किताबें आप लोगों ने खरीद रखी होंगी, जैसे रावण संहिता, मंत्र रहस्य, तंत्र रहस्य, ठीक है, नाथों का मंत्र रहस्य, साबर मंत्र रहस्य, इस तरह की कई किताबें आती हैं। ठीक, इसमें ईश्वर को बस में करने से लेके, स्त्री को बस में करने से लेके, जानवर को बस में करने से लेके, चींटी को बस में करने तक का मंत्र होता है। इसमें ऐसे भी मंत्र होते हैं कि आप जमीन से गड़ा खजाना निकाल लो, अपने ग्रहों को शांत कर दो, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं, बुखार अपना आप गायब कर लो, आपको पीलिया बीमारी हुई झाड़ के ठीक कर लो, बाल झड़ रहे हैं तो भी मंत्र से ठीक कर लो, और सब में लगभग एक ही मंत्र होते हैं। लेकिन चलंत मंत्र वो होते हैं जो साधकों के साथ चलते हैं, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आप पे अगर कोई प्रसन्न हुआ तो आपको दे जाएगा। जैसे मैंने एक कथा आप लोगों को बताई थी कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो रही है आपके मंत्रों को करके, तो मैंने उनको एक चार अक्षर का मंत्र दिया था, वो मैंने नाराजगी में दे दिया था, वो एक चलंत मंत्र था, और उसका फलस्वरूप क्या हुआ कि वो उस रात उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको बिस्तर से खींच के नीचे पटक दिया। मतलब चलंत मंत्र वो जो कि साधक तांत्रिक अघोरी चलाते हैं ताकि आपको शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हो। ठीक है, इस तरीके के कई मंत्र मुझे इसलिए मिले क्योंकि मैं बहुत सारे साधकों की सेवा में लगा रहता था। शुरुआत में जब मैं तंत्र क्षेत्र में आया तो मुझे तंत्र चलाना सीखने का कोई मकसद नहीं था, मेरा मकसद था कि साधु संतों का एक मुझे परिवेश मिले, मुझे समझ में आए कि होता क्या है, कैसे चलता है अध्यात्म। उसी में एक बार मैं बनारस घूम रहा था और बनारस में मुझे दो फक्कड़ मिले। फक्कड़ बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि ना उनके वेश से ये तय था कि वो योगी थे, मतलब सात्विक थे, ना उनके परिवेश से ऐसा लग रहा था कि वो अघोरी थे, लेकिन वो थे, फक्कड़ थे, अपना जो रुद्राक्ष था वो सब उन्होंने पहन रखा था। और मैं ये पूरा आपको कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि विधान इस कहानी में छुपा है और मंत्र मैं आपको अंत में बता दूंगा। तो वो जो फक्कड़ थे तो वो बैठे हुए थे, मैं भी घूमता फिरता उनके पास गया, वो कुछ अपना हवन ववन करते थे रात में नदी तीर पर, थोड़ी दूरी पे मेन टाउन से, तो मैं उनके साथ बैठता था, गुरु महाराज सीखने की ललक, और उनका पैर दबाता रहता था। मुझे पता था कि जो पैर दबाने से गुरु का कुछ ना कुछ तो अंश, कुछ ना कुछ फल जरूर मिल जाता है। तो इसी लोभ में बोल लूं कि मैं उनका पैर दबाता रहता था। तो एक दिन उन्होंने बोला कि मैं दो दिन बाद यहां से चला जाऊंगा, तो तुम्हें कुछ चाहिए? तो मैंने बोला मैं तो आध्यात्म क्षेत्र में जाना चाहता हूं, आप अपनी इच्छा से जो दे दोगे वो मैं ले लूंगा। तो उन्होंने बोला कि जो दे दूंगा ले लोगे? हाँ हाँ, मैंने बोला बिल्कुल, जो देना है आप दे दो, मैं रख लूंगा उसको, मुझे आपसे कोई विशेष लोभ या प्रलोभन नहीं है कि आप मुझे कुछ विशेष दो। तो हम नदी तीर पे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे बालू हटाया और वहां से एक छोटी सी हड्डी की टुकड़ा उनको मिला, छोटा सा हड्डी का टुकड़ा था, वो उन्होंने लिया, अपना लुंगी को थोड़ा सा फाड़ा, उसमें उन्होंने बांधा, हाथ में थोड़ी देर रखा और मुझे दे दिया, ले जाओ। अब जब उन्होंने मुझे हाथ में दे दिया तो एक गृहस्थ बालक मुझे लगा कि ये तो मैंने झंझट मोल लिया, इतना भी उदारवादी होना सही नहीं था, लेकिन फिर किसी गुरु ने दिया, मैंने बोला चलो देखते हैं। अब अनमने ढंग से दूसरे दिन भी मैं साथ रहा कि बताओ इतना सेवा क्या मिला, क्या एक हड्डी हैं कपड़े में बांध के, लेकिन उस हड्डी में बात थी, उस हड्डी में हरकत होती थी, मतलब वो हिलता था, उस पुड़िया में रखे रखे वो हिलता था। जब मैंने थोड़ा पहले मुझे लगा कि नहीं नहीं मेरे नज़र का धोखा है, किसी भी चीज़ को अगर आप गौर से देखोगे ना तो आंखें ऐसा
खेल रचती हैं कि आपको लगता है कि वो सामग्री हिल रही है, ऐसा होता है। मुझे लगा यही मेरे साथ हो रहा है, लेकिन फिर उसको हाथ में मैंने पकड़ के देखा तब भी समझ में आया कि नहीं, ये तो हिल रहा है। तो दूसरे दिन फिर मैं गया उनके पास रात्रि में, वो अपने पूजा पाठ कर रहे थे, उनके चेले भी थे। तो मैंने बोला, गुरु महाराज जी क्या आपने दे दिया है, ये तो ऐसे तो मृत शरीर का अंग है लेकिन ये हिल रहा है। तो उन्होंने बोला, अच्छा तुम उसको वापस दे दो, क्योंकि तुम्हें तो अविश्वास था, तुम तो ये सोच रहे थे कि मैंने तुम्हें कुछ भी कूड़ा उठा करके दे दिया है, उदारवादी होना नहीं चाहिए। मन की बात उन्हें समझ में आ रही थी। मैंने बोला, ऐसा नहीं है गुरु महाराज, मुझे लगा था कि कुछ आप ऐसे माला वाला कुछ रुद्राक्ष दोगे। उन्होंने बोला, अब तुम इसको इसको चलाना सीखना चाहोगे कि कैसे चला सकते हैं इसको? तो मैंने बोला हाँ सीख लेंगे। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, ठीक है, और जो मंत्र दिया उन्होंने बोला, इस हड्डी को जो मैंने कपड़े का टुकड़ा दिया है उससे अच्छे से लपेट लेना और अपने दाहिने हाथ में बांध लेना, ठीक है, और बांध करके जिस तरीके से योनि मुद्रा बनाता है वैसे बना करके मसान की ओर देखना, ठीक है। और मध्य रात्रि के बीच की साधना उन्होंने बताई थी, कुछ समय काल था, उस कालखंड में उसको मुझे जाप करना था। जाप करने के बाद सामने नदी की तरफ उस मसान से बैठ करके मुझे देखना था। तो मैं बैठ गया वहां पर और उसका जाप करने लगा। मंत्र क्या था एक बार सुन लो आप लोग, जिनको लिखना है लिख लो, प्रयोग करके देखना। तात रे ततैया झाके पीड़ से सियारन, भैरव दल सब आटे घाटे, चल दिखा और लगा आदेश महामाई को। तात रे ततैया झाके पीड़ से सियारन, भैरव दल सब आटे घाटे, चल दिखा और लगा आदेश महामाई को। बहुत मुझे लगा कि ये इसमें भी कहानी हो गई मेरे साथ, लेकिन मंत्र ने काम किया। और जब मैं जितना कालखंड उन्होंने जाप करने बोला था, जाप करने के बाद उन्होंने बोला था कि उसके बाद आप योनि मुद्रा जिस तरीके से बना, महायोनि मुद्रा नहीं, योनि मुद्रा क्या होता है, अंगूठा को और इंडेक्स फिंगर को ऐसे करके जोड़ लेते हैं, बाकी उंगली को जोड़ लेते हैं, बीच से ऐसे देखते हैं। तो उस सामने से मुझे लगा, अब लगा या वो सही में था मैं आज तक श्योर नहीं हूँ, क्योंकि रात्रि का समय था, रात्रि बेला था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि जल में से एक नर एक मादा जो है उभरे, वो धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ते आ रहे थे, और जैसे जैसे वो बढ़ते आ रहे थे वो उनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, ठीक है। और मैं नींद में नहीं था, तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वहाँ कुछ नहीं था, और मैं ये भी आपको नहीं बोल सकता कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रेत आत्मा था। और लगभग जब वो मेरे पास आ गए, उतने देर में मुझे पीछे से उनके एक शिष्य ने आवाज़ दी कि गुरु महाराज बुला रहे। फिर मैं दौड़ के गया गुरु महाराज के, मैंने बोला कि मुझे बिल्कुल उनका साक्षात होने वाला था, आपने बुला लिया। बोले, जितना साक्षात होना था हो गया, इससे ज़्यादा साक्षात अगर करते तो तुम्हारे जान पे आ जाती। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको एक ताबीज़ की तरह रखो और ये हमेशा समझ लेना कि जल के पास जब भी साधना करते हो तो पृथ्वियों के देवता के अलावा जल के देवता अलग होते हैं, उनको भी प्रसन्न करना होता है। मैंने तुम्हें साधना करते हुए देखा था, तुम ये नहीं करते थे, इसीलिए तुम्हें ये सीख दी। आज भी वो है मेरे पास, उसका कोई प्रयोग नहीं है ना। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। मेरे द्वारा लिखे गए लेख या फिर जिनको मेरा आगामी कार्यक्रम गुरु दीक्षा साधक शिविर ये सब के बारे में जानकारी चाहिए, वो मेरे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, www.agurtantra.com। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसमें रुद्रनाथ थीम फॉर सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। भगवान भैरव और माँ पार्वती महामाया आप सभी को सिद्ध करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।